इंद्री की नाज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर इंद्री के विधायक राम कौर कश्यप मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता इंद्री एसडीएम अशोक कुमार ने की। विधायक राम कुमार कश्यप में योग साधकों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले योग साधकों को विधायक की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा है, यदि हमें स्वस्थ रहना है तो योग को अवश्य अपनाना पड़ेगा। योग जीवन जीने की एक कला है जिसको अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। हमारा करोड़ों रुपया अस्पताल व दवाइयों में खर्च होता है, यदि हम योग को अपनाएंगे तो हम पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सबसे पहले तो आज योगा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, 21 जून है। इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो हमारा योगा दिवस आज है, ये सारे न केवल भारत में, सारे वर्ल्ड में आज ये मनाया जा रहा है। तो योगा ये हमारे प्रधानमंत्री की मेहरबानी है, तो उनके ही से प्रयास से आज योगा जो है सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही मनाया जाता है भारतवर्ष में। आज हरियाणा की बात करें, हरियाणा लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर आप मनाया गया। देखिएगा आज हम इंद्री में हैं, इंद्री में भी आज ब्लॉक लेवल पे ये योगा दिवस मनाया गया। यहाँ पर योगा का अभ्यास कराया गया। यहाँ पर हमारे कई अधिकारी योगा और जो डिपार्टमेंट के आयुष विभाग से यहाँ पर सारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिन्होंने यहाँ योगा का अभ्यास कराया, ताकि हम जो है योगा को अपनाएं अपने जीवन में और जो हम स्वस्थ रहें, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हम स्वस्थ रहेंगे, तो हम देश के अच्छे नागरिक बन पाएंगे और देश को राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा पाएंगे। तो ये योगा के कारण ही हम ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि आज देखिएगा हमारा विकास तो हुआ है। जैसे जैसे हमारा अभ्यास विकास हुआ है, तो हम जो है हम तनाव की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आज हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, आज हम तनाव में हैं, तो इसको रोकने का एकमात्र ही साधन है ये योगा ही है। योगा को हम अपनाएंगे डेली, हर नागरिक को जो है 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाना चाहिए। सवेरे उठ करके वो योगा करे, सैर करे, प्राणायाम करे। अगर ऐसा करेगा तो निरोगी रहेगा। जो निरोगी जो रहेगा नागरिक, वो जो भी वो काम करेगा, चाहे वो खेती करता है, टीचिंग करता है, पढ़ाता है, व्यापार करता है, जिस व्यापार में वो करे, जो भी वो काम करेगा, वो उसमें उसको ज़्यादा वो आगे बढ़ पाएगा, उसमें ज़्यादा मेहनत से काम कर पाएगा, निश्चित तौर से वो आगे भी बढ़ेगा। जब वो आगे बढ़ेगा उस काम में, इस प्रकार जब सारे नागरिक इस प्रकार काम करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारे देश को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। हाँ, सरकार की तरफ से देखिएगा बहुत उसमें जगह जगह योगशालाएं हर गांव में खोलने का प्रयास किया जा रहा है। योग अभ्यास जो कराते हैं उनके उनकी जो है उनके जो पोस्ट हैं उनके क्रिएट किए गए, उनको जगह जगह उनको लगा करके योगा के लिए उनको काम कर उनसे दिया जा रहा है। सभी को योग अभ्यास करा रहे हैं, तो सरकार का इस बहुत बड़ा ध्यान की तरफ है, ताकि जो है हम स्वस्थ रहें। सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम स्वस्थ रहें, पहले हम स्वस्थ रहें और देश के लिए हम काम करें। बहुत सा बजट जो है स्वास्थ्य दवाइयों पे खर्च हो जाता है। हाँ ठीक है, ये जो बजट दवाइयों पर खर्च होता है, इसको देखिएगा, हम हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, डॉक्टरों को पूरी टीम में हमारे पास है, परंतु देखिए कोई भी बीमारी, आज तक रिकॉर्ड है, कोई भी बीमारी, जैसे अब शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, अन्य प्रॉब्लम है, हम इसको खत्म नहीं कर पा रहे। इसका एकमात्र तरीका यही है, अगर हम जैसे योगा है, योगा अपनाएंगे, सैर करेंगे या कुछ अन्य प्राणायाम करेंगे, तो मैं समझता हूँ हमारी जो दवाइयों पे खर्च हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो हम अपने शरीर में, भगवान ने ही हमारे को इतनी ताकत दी है हमारे शरीर में, हम अपने शरीर के ताकत से ही योगा जैसे प्रणाली को अपना करके हम अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। जब हमारे यहाँ खत्म होगी मैं सब, तो फिर दवाइयों की हमें जरूरत नहीं रहेगी, हमारे को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं रहेगी, हमारे को डॉक्टरों की जरूरत नहीं रहेगी। तो एकमात्र यही है, अगर हमने इन दवाइयों से छुटकारा पाना है, हमने स्वस्थ रहना, निरोगी रहना है, तो ये जो हमने योगा की तरफ जाना ही पड़ेगा। सरकार इसकी तरफ पूरा ध्यान दे रही है और लोग जो है, अब देखिएगा लोग जो है इसके अभ्यासित भी हो गए हैं। लोग सवेरे उठते हैं, हम तो देखते हैं सवेरे उठ करके वो सैर करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो निश्चित तौर से जैसे जैसे अब करते जाएंगे सब 100% इसमें कवर हो जाएंगे, निश्चित तौर से दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। इस राज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अनाज मंडी इंद्री में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री राम कुमार कश्यप जी हल्का विधायक इंद्री थे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता
एसडीएम श्री अशोक कुमार जी ने की और बीडीपीओ सर ने इसमें मार्गदर्शन दिया। इसमें आयुष विभाग ने आयुष विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया और पतंजलि योग समिति में की तरफ से पूरा सहयोग दिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है स्वयं के लिए और समाज के लिए। जो व्यक्ति हर रोज योग करेगा वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और न केवल वो बीमारियों से मुक्त रहेगा अपितु वो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा और वो पूरे समाज को एक प्रेरक, एक जो रोल मॉडल की तरह उसको रोकने की तरह उसको प्रेरित करेगा, उसे सभी इंस्पायर होंगे और उसके जो अच्छे गुण हैं वो लोग सभी उसे ग्रहण करेंगे। तो योग हमें इसलिए अपनाना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार पशमन चय। इसका मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए और जो बीमार व्यक्ति है उसको स्वस्थ रखना। और ये योग जो है आयुष विभाग का ही एक विभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने शरीर को इतना मजबूत बना ले कि बीमारी हमारे पास ना आए।